ठीक है. सो नाउ वील बी लर्निंग द नेक्स्ट फंक्शन विच इज वी लुकअप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग दैट वी यूज अलॉट. तो कैसे करते हैं वी लुकअप यूज? लेट मी डू वन थिंग. ठीक है. अब देखो, खाली ये वाला डेटा मैं एक बार ले रही हूँ. कैसे करते हैं देखो, इसको सिलेक्ट करो सेल्स को, कंट्रोल सी कॉपी, दूसरे शीट में जाते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट. ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, क्योंकि आप लोग को दिख नहीं रहा. सो आई कंट्रोल एक्स इज कट पेस्ट. ठीक है. अब लेट्स से सपोज मैं बोलती हूँ, अब लेट्स से सपोज मैं बोलती हूँ, दिख रहा है तुम लोगों को? अब लेट्स से सपोज मैं बोलती हूँ कि इसका हाईएस्ट मार्क्स आया है, उस स्टूडेंट का मुझे नेम चाहिए. ठीक है. तो या फिर मान लो, इसको मैं कर देती हूँ, मान लो मैं कर रही हूं, मैं लिख रही हूँ दिव्या. आई वॉन्ट दिव्या का मार्क्स यहाँ पे. यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है 50 होगा, बट लेट्स सपोज आपके पास बहुत लंबा 100 वैल्यूज का डेटा है. सो ऑब्वियसली यू नॉट गो स्क्रोल डाउन एंड चेक कि एग्जैक्टली दिव्या का क्या मार्क्स है. आउट ऑफ सो मेनी वैल्यूज यू विल नॉट स्क्रोल सो मच एंड चेक, राइट? सो वॉट यू विल डू इन दैट केस, वॉट यू विल डू इज यू विल यूज अ वी लुकअप फंक्शन. वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप. सो इसका क्या पहले सिंटैक्स है वो समझ लेते हैं, क्योंकि इट्स एक्चुअली वन ऑफ द डिफिकल्ट फंक्शन. लुकअप वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा होता है उसको बोलते हैं दिव्या का मार्क्स ढूंढो, तो वो क्या करता है? पहले वो यहाँ इस पूरे टेबल में क्या ढूंढता? फर्स्ट थिंग दिव्या ढूंढता. तो वो दिव्या ढूंढता, ये लुकअप वैल्यू वो ढूंढता. फिर वो क्या देखता कि उसका मार्क्स क्या है, 50, एंड फिर उसका आउटपुट आ जाता 50. मेक सेंस? ठीक है. तो लुकअप वैल्यू इज दिस वैल्यू दैट वी आर सर्चिंग फॉर. ठीक है. देन यू पुट द टेबल आरे. इन व्हाट टेबल? सो दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल. ठीक है. यूजली वी मेक द टेबल एज फिक्स, F4 कर देते हैं, पूरा अपने आप फिक्स हो जाता है, या FN F4 कर देते हैं, ताकि क्योंकि व्हेन यू स्क्रोल डाउन आपका टेबल तो सेम ही रहना है ना. कॉलम इंडेक्स नंबर इज द कॉलम फ्रॉम विच यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू. ठीक है. कौन से कॉलम से एक्सट्रैक्ट करने वाली हूँ? सेकेंड कॉलम से. सो टू. रेंज लुकअप मतलब ट्रू या फॉल्स, मतलब एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट. नाउ आपके सिलेबस में आपको हमेशा एग्जैक्ट मैच करना है. कब होता है आपका अप्रोक्सीमेट मैच? करते हैं हम लोग CP2 में पढ़ेंगे, बहुत आगे जाके, अभी नहीं. तो फॉल्स, यू ऑलवेज नीड अ एग्जैक्ट मैच. क्लोज किया, हिट एंटर, यू हैव 50. गॉट इट? इसको एक बार करो, फिर इसका और एप्लीकेशन करेंगे. मैम, ये आपने फिक्स कैसे करी टेबल? यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट किया उसके बाद F4 पे क्लिक किया, या FN F4. ठीक है. अब लेट्स से सपोज मैं क्या करूं, यहाँ पे आई हैव रिटन काजल. ठीक है. इफ आई ड्रैग दिस डाउन, काजल का मार्क्स आ जाएगा. क्या चेंज हुआ? खाली ये चेंज हुआ, टेबल हमने फिक्स कर दिया था, नथिंग एल्स चेंज्ड. F3 बिकेम F4. गॉट इट? ठीक है. अब देखो,
वी लुकअप इज अ वेरी यूजफुल फंक्शन दैट वील बी यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेनी अ टाइम्स, बट वी लुकअप का एक लिमिटेशन है. लिमिटेशन ये है कि जो ये लुकअप वैल्यू है ना, ये जिस कॉलम में है, ये इस कॉलम में है. दिस कॉलम नीड्स टू बी द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल दैट यू हैव सिलेक्टेड. सो यू आर सिलेक्टिंग दिस टेबल बी, ये वाला टेबल. टेबल हो सकता था और बढ़ाओ, कैसे और बढ़ाओ, सपोज मान लेते हैं ये सेम टू का मार्क्स वाला मैं इधर डाल देती हूँ, ठीक है. टेबल इतना बड़ा है आइडियली, बट मैंने क्या किया, मैंने इतना सा सिलेक्ट किया, इट्स फाइन इनफ, यू विल गेट योर आंसर. क्योंकि आपका जो फंक्शन रन कर रहा है वो तो खाली यही देख रहा है ना, उसके बाहर क्या है वो नहीं देख रहा. तो जो भी टेबल आप सिलेक्ट कर रहे हो, उस टेबल का ये जो लुकअप वैल्यू है नीड्स टू बी लेफ्ट मोस्ट, ठीक है ना. लेफ्ट मोस्ट हो क्या रहा है, वो लेफ्ट मोस्ट है नहीं. अगर लेफ्ट मोस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था कि किसका मैक्सिमम मार्क्स आया, बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितना आया, कैसे निकालेंगे. मैक्स फंक्शन यूज करा, मैक्स फंक्शन यूज करके यू गॉट 90, ठीक है. मैक्स फंक्शन यूज करके यू गॉट 90, बट इसके बगल में आई नीड नेम. अब अगर वी लुकअप करें, लेट्स ट्राई, दिस इज द लुकअप वैल्यू दैट वी आर सर्चिंग फॉर, दिस इज द टेबल एरे दैट वी आर taking in, column index is 1, range lookup is false. Why? Because the lookup value needs to be the leftmost column, which is not the case. Agar lookup value to the right ho, aur aapko value left se extract karna ho, toh v lookup will not work. This is the limitation of v lookup. Got it? ठीक है, understood? तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके बदले हम लोग यूज करते हैं इंडेक्स मैच फंक्शन. ये हमने यूज करा यहाँ पे v lookup, ठीक है. अब हम यूज करेंगे, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग यूज करेंगे इंडेक्स मैच फंक्शन. ये दो अलग अलग फंक्शन है, इसको साथ में यूज करते हैं. सबसे पहले दोनों को अलग, मैम आई एम नॉट एबल, अगर आप एब्सोल्यूट नहीं कर पा रहे हो ऐसे इसको सिलेक्ट करो, फिर F4 पे क्लिक करो. तुम इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुमने शुरू में नहीं किया था. मतलब क्या होता है ना, इसका तरीका होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ध्यान दो राघव, मैंने ये सिलेक्ट किया, फिर कुछ और लिखने लग गए, वापस आके इसमें F4 क्लिक करोगे तो नहीं होगा, सिलेक्ट करते ही F4 क्लिक करना होगा. बट तुमने लेट्स सपोज वो नहीं किया है, तो इसको सिलेक्ट करके फिर FN F4 या F4 कर सकते हो, तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा. एक एक करके चलो देखो, पहले इंडेक्स मैच समझते हैं, फिर मैं वापस से नहीं समझाऊंगी, ध्यान से सुनना. इट इज अगेन वन ऑफ द एडवांस लेवल फंक्शन दैट वी आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है. सबसे पहले मैच फंक्शन समझते हैं क्या होता है. मैच फंक्शन में ना आउटपुट क्या आता है, आप रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो होगा वो आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स पहले समझाना था मुझे. तो इंडेक्स में क्या होता है, रो नंबर और कॉलम नंबर का जो इंटरसेक्शन होता है वो एज अ आउटपुट आपको मिल जाता है, ठीक है. तो लेट्स सपोज मैंने ये पूरा एरे सिलेक्ट किया, एरे मतलब टेबल, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है. अब इसमें मैं रो नंबर बता रही हूँ 3, रो नंबर. कॉलम नंबर मैं बता रही हूँ 2. मैं क्या कर रही हूँ, रो नंबर इज 3, मतलब 1 2 3, ये गौरव. अच्छा, रो नंबर 3 का मतलब ये 3 नहीं है, बाई चांस इसमें वो चीज हो रहा है, बट सिंस यू सिलेक्टेड दिस टेबल, इस टेबल का रो नंबर 3. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करती टेबल, ये पार्ट सिलेक्टेड है, एंड देन यू आर सेइंग रो 3, मतलब 1 2 3, ये वाला 3 काउंट होगा. अंडरस्टूड द लॉजिक रो नंबर का, क्लियर. जो सिलेक्ट किया है उसका 3, ठीक है ना. चलो बार बार इसको वापस ऐसे करते हैं. तो इसका 3 गौरव है, एंड कॉलम नंबर 2 है, मतलब ये है, तो 74 आ रहा है. तो क्लोज करेंगे, आंसर क्या आया, ठीक है ना. दैट्स हाउ यू यूज इंडेक्स फंक्शन. इंडेक्स फंक्शन का और एक तरीका क्या होता है यूज करने का,
इंडेक्स को आप और कैसे यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने ये सिलेक्ट करा खाली और आप रो नंबर बता रहे हो 3. यू कैन मतलब इंस्टेड ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ टेबल यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट वन कॉलम, यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट वन रो. ठीक है, सो दैट इज वाई देखो ये जो कॉलम नंबर है ये ब्रैकेट में है. फर्स्ट ब्रैकेट लास्ट ब्रैकेट दिख रहा है ये वाला कॉलम नंबर है ना, ये ब्रैकेट में क्यों है, मतलब ये ऑप्शनल है. आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो. तो 3 लिखा, क्लोज करा, गौरव आ गया उस कॉलम का थर्ड रो. अगेन अगर मैं ऐसे करूं इंडेक्स मैं ये रो सिलेक्ट करूं एंड अब रो नंबर रो सिलेक्ट किया ना तो उसमें रो नंबर क्या डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, लीव इट ब्लैंक. एक रो सिलेक्ट किया तो उसी में क्या, एक ही रो में कितने रोज होंगे, तो ब्लैंक छोड़ो, उसको स्पेस दे दिया हमने, स्पेस नहीं मतलब कॉमा दे दिया, कॉलम नंबर पे आ गए कॉलम नंबर 2, 7 आ गया. करो इसको ट्राई. राघव बोलो. मैम मेरा जो इंडेक्स मैच है ना उसमें रेफरेंस आ रहा है, उसमें कुछ हैशटैग रेफरेंस फंक्शन ठीक से यूज नहीं किया है मैम, उसमें भी नहीं मेरी प्रॉब्लम आ रही है. उसमें F+F4 भी करके दे लिया ट्राई, तो इंडेक्सेशन कर रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट नहीं हो रहा उसमें वैल्यूज. खाली F4 प्रेस करो फिर. क्लियर है मैम? इंडेक्स मैच तो हो गया, वी लुकअप में एरर आ रहा है. तो वी लुकअप में एरर इसीलिए आ रहे हैं, क्या एरर आ रहे हैं? वैल्यू नॉट अवेलेबल दिखा रहा है. ये काजल अगर है और ये काजल है शुड बी सेम. अगर यहाँ कहीं भी स्पेस है मान लेते हैं, बस देखो यहाँ पे देख रहे हो ये जो काजल मैंने टाइप किया, देर इज नो स्पेस इन फ्रंट और एट द बैक. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई एड अननेसेसरीली 2-3 स्पेसेस नॉट एप्लीकेबल एनी. ठीक है, सो स्पेसेस कैप्स लॉक कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर चेक करो, वो ऐसा कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ मैम स्पेस वाला था. स्पेस वाली दिक्कत थी. बोलो उससे तुम्हारा आउटपुट इधर नहीं आएगा ना, उस बॉक्स में आएगा. इट्स अ फीचर, यू नीड टू यूज अ फंक्शन टू गेट अ वैल्यू ओवर हियर है ना. और फाइंडर विल आल्सो नॉट वर्क इफ यू हैव सम स्पेसेस और लाइक दैट. चलो ठीक है, क्लियर है, इंडेक्स क्लियर है. सिमिलरली मैच फंक्शन क्या होता है, मैच फंक्शन गिव्स यू द रो नंबर और कॉलम नंबर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि एक रो में बहुत सारे वैल्यूज हैं, उस रो में से एक वैल्यू कौन से प्लेस पे आ रहे है वो बताओ. मान लेते हैं देख लो ये पूरा रो है,
ठीक है, इस रो में से सेम वन किधर आ रहा है, सेकंड वैल्यू है सेकंड। तो सिमिलरली जैसे लुकअप वैल्यू, यहाँ पे लुकअप वैल्यू में आप लिखोगे सेम, आप टाइप भी कर सकते हो, आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने टाइप कर दिया सेम वन। लुकअप एरे ऑलवेज हैज टू बी अ रो और अ कॉलम, इट कैन नॉट बी और टेबल। ठीक है, सो ये रो सिलेक्ट किया मैंने। मैच टाइप अगेन वी ऑलवेज डू एग्जैक्ट मैच, तो जीरो। ठीक है, एग्जैक्ट मैच जीरो। ब्रैकेट क्लोज एंटर टू आ गया, तो इस पूरे रो का सेकंड पोजीशन था सेम वन। सिमिलरली मैच फंक्शन यूज करके आप निकाल सकते हो कि फॉर एग्जांपल गौरव कौन से रो पे आ रहे हैं इन दिस कॉलम। थर्ड वैल्यू आ रहा है गौरव का इन दिस कॉलम। गॉट इट, अंडरस्टूड? करो इसको मैच फंक्शन, फिर साथ में कंबाइन कर देंगे इंडेक्स। इसको दिखा दो थोड़ा सा, लैपटॉप देख लो उसमें, उसको लैपटॉप शेयर। ठीक है, इंडेक्स मैच अब साथ में देखो हम लोग करेंगे। अब तुम लोग मेरे को बताओगे, ठीक है? हम लोग का टास्क दिख रहा है तुम लोगों को? रुको, यहाँ करते हैं। हम लोग का टास्क एट हैंड क्या था कि मैक्सिमम मार्क्स किसका आया है? 90। यहाँ पे मैं एक बार 90 लिख रही हूँ, किसका आया है ये टास्क था। हु हैज गॉट द मैक्सिमम मार्क्स इन सेम वन, दैट वॉज द टास्क।
दिस इज मैक्स मार्क्स, दिस इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट. गॉट इट? बोलो. तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स कौन सा एरे डालेंगे? समझो क्या करना है, समझो. हम लोगों को इस टेबल में से पहले देखना है 90 कहाँ गया, 90 किधर है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग खुशी को एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो इंडेक्स में एरे में क्या डालें, ये पूरा भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हैं, पूरा डालते हैं चलो. ठीक, कॉमा. पूरा डालना डज नॉट मेक मच सेंस बिकॉज हमें सेम वन का ढूंढना है, तो लेट्स कीप इट हियर. उसके बाद नेक्स्ट इज रो नंबर. अब एग्जैक्टली रो नंबर कहाँ है काउंट करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके. बट मान लो कि हमें बहुत सारे रोज हैं, उसमें से नहीं पता 90 कहाँ है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वो रो नंबर निकाले, मैच फंक्शन. मैच फंक्शन से क्या पता चलता है, नहीं, मैच फंक्शन से रो नंबर निकलता है, उस कॉलम में वो कौन सा रो है. तो देखो कैसे करेंगे, मैच में अब लुकअप वैल्यू में या तो आप ही 90 सिलेक्ट करो या मैक्स ऑफ वो पूरा कॉलम डालो. लेट्स सिलेक्ट 90, कीप लाइफ इजी, 90 डालते. आप मैक्स ऑफ वो कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते थे. कॉमा. एरे मैच में एरे क्या होता है, या तो एक कॉलम या तो एक रो. तो ये वाला कॉलम, अब मेक श्योर स्टूपिडिटी मत करना, अगर टेबल यहाँ से सिलेक्ट किए तो ये वाला कॉलम मत सिलेक्ट कर देना, गड़बड़ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर ये वाला कॉलम सिलेक्ट करें तो उसका कौन सा रो नंबर निकला, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स निकला और वो सिक्स नंबर वो क्या करेगा, इस पूरे टेबल में डालेगा, तो वो कौन सा आ जाएगा, 64 के बगल वाला आ जाएगा, मतलब ये वाला पल नाम आ जाएगा. ठीक है, तो हमें ये पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें ये पूरा. ठीक है ना, ये हो गया. एग्जैक्ट मैच डाल देंगे, 0, मैच क्लोज किया. फिर कॉलम नंबर, कॉलम नंबर अब हमें पता है एग्जैक्टली कि 1 है, तो आप डायरेक्टली 1 डाल भी सकते हो, आप डायरेक्टली 1 डाल भी सकते हो, या फिर उसका भी तरीका है, मैच यूज करेंगे. मैच में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है हमें, नेम. तो मैंने देखो यहाँ नेम लिख रखा है, नेम. ठीक है, आप ये वाला, अब अगेन ये मत सिलेक्ट कर देना, ये ही सिलेक्ट करना खाली. इस रो में से कौन सा कॉलम है नेम, फर्स्ट कॉलम, कॉमा, एग्जैक्ट मैच. तो ये देखो हुआ क्या, ये एक मैच फंक्शन यूज किया हमने, ये एक मैच फंक्शन यूज किया रो नंबर के लिए, ये एक मैच फंक्शन यूज किया कॉलम नंबर के लिए, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 7. इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1. इंडेक्स में 7 और 1 का इंटरसेक्शन जब देखेंगे तो खुशी आएगा. 7 रो नंबर कॉलम 1 क्या आएगा, खुशी. एक बार के लिए हल्का डिफिकल्ट है, वी मेक थिंग्स लिटिल डिफिकल्ट सो दैट वी व्हाट, क्यों बनाते हैं हम चीजों को डिफिकल्ट, ताकि हम थोड़ा स्मार्ट दिखे ना, बाकी सबको ऐसे लगे कि हम स्मार्ट है. दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है, थोड़ा बेटर है, करो इसको. तो बेसिकली मैच फंक्शन क्या देता है, रो नंबर देता है अगर आप कॉलम सिलेक्ट करते हो, कॉलम नंबर देते हैं अगर आप रो सिलेक्ट करते हो. जब बहुत सारे कॉलम्स होते हैं तो कौन सा कॉलम निकाले.
हुआ किसका? नहीं हुआ, सबको हो गया। किसका नहीं हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पीछे, तुम दोनों का, तुम लोग का नहीं हुआ ना, तो तुम्हारे एक्सप्रेशन इतना ब्लैंक क्यों है? हो गया? ए तुम कहां से आए? राजस्थान में कहां से? तो तुम जयपुर का प्याज का कचौड़ी खाए? किसका खाते प्याज का कचौड़ी? कौन से दुकान का? नहीं, आर से कोई शॉप है ना? आर से प्याज कचौड़ी खाने के लिए भी आप ले सकते हो। किसका फेमस है प्याज की कचौड़ी? एलएमबी की फेमस है, राजपुर का। राजपुर आप जैसलमेर की? नहीं, तो तुम वो मिस कर रहे हैं मेरे को लगता है। बैस की कचौड़ी इसमें मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। मैं गई नहीं हूँ जैसलमेर जोधपुर। मन से ही तुम लोग अपना मन से ही बोल रहे हो कि मैम जैसलमेर बोल रही है जोधपुर, कुछ भी क्लियर? किसी का ऐसा, किसी का सब सबका ऐ इतना आया क्या है? देख तुम्हारा
नहीं तो तुम्हारा एन ए इसीलिए आ रहा है क्योंकि तुम ये आई टू सिलेक्ट किया ठीक से, ठीक है ये वाला ठीक से सिलेक्ट किया, नेम कहीं स्पेसेस ये सब है, देखो ठीक से टेबल सिलेक्शन रॉन्ग है, रो सिलेक्शन रॉन्ग है, आया कोई बात नहीं रुक जाओ नेक्स्ट फंक्शन करते हैं, मैं आके देख रही हूँ तुम्हारा क्यों नहीं आया, नेक्स्ट आ जाओ एकदम, ऐ बात मत करो। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी फंक्शन, फ्रीक्वेंसी फंक्शन इज समथिंग अगेन जो आप लोग CM1 में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हो, कभी कभार आप लोग के उसमें आ जाएगा यूज। सो बेसिकली होता क्या है, लेट्स से सपोज इफ फ्रीक्वेंसी के लिए ना आई विल बी नीडिंग अ डेटा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया था क्या कल जब हमने इंटीजर ये सब किया था, एक्सपोनेंशियल भी सेम है। सो बेसिकली एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, exp e टू द पावर, ठीक है e टू द पावर जो भी डालना हो, लेट्स सपोज e टू द पावर 5 डाल रहे हैं, दैट्स योर एक्सपोनेंशियल, ठीक है e टू द पावर वाला लॉग इंटीजर एब्सोल्यूट, पाई भी होता है, यू कैन जस्ट सिंपली राइट पाई, इसमें कुछ इनपुट नहीं देना होता, पाई में आप क्या इनपुट दोगे है ना, पाई लिखा यू गेट द वैल्यू ऑफ पाई, दैट्स इट। फ्रीक्वेंसी का मैं एक डेटा ढूंढ रही हूँ बस मुझे, ठीक है अब ये डेटा आपके पास करंटली नहीं है विच इज फाइन, आप लोग बस एक बार समझने की कोशिश करो कि ये होता क्या है, ठीक है आई विल शेयर दिस लेटर ऑन विथ यू ऑल, या आप लोग के पास अगर अभी क्यू फोरम का एक्सेस, आपका प्लेटफॉर्म का एक्सेस है तो वहां शायद आपको मिल जाएगी बेसिक्स फाइल्स, या आपको बेसिक्स फाइल्स मिल जाएंगी जहाँ पे क्लास 5 में आपको जाना है वहां पे आपको ये मिलेगा डेटा, ठीक है जो फाइल्स वाला सेक्शन है उधर। नाउ बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट प्लीज क्विकली लुक एट दिस डेटा, वी हैव डिफरेंट कंट्री नेम्स, वी हैव डिफरेंट कंट्री कोड्स व्हिच आई डोंट नीड, आई विल जस्ट रिमूव दिस, बर्थ रेट, इंटरनेट यूजर्स ऐसे करके मेरे पास है, ठीक है। नाउ लेट्स से सपोज अगर मुझे अब इतने सारे कंट्रीज हैं तो मुझे एक प्रॉपर काउंट चाहिए या एक डिमार्केशन चाहिए कि बर्थ रेट 0 से 5 के बीच, 5 से 20 के बीच, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 के बीच में कितने कंट्रीज आ रहे हैं, ठीक है कितने कंट्रीज आ रहे हैं जिनका बर्थ रेट इज विद इन दिस। अब ऑब्वियसली आप इसमें से ढूंढोगे तो बहुत टाइम लगेगा, सो वॉट वी विल डू इज वी विल यूज अ फ्रीक्वेंसी फंक्शन जहां हमें पता चले कि 0 से 5 के बीच में कितने हैं, 5 से 10 के बीच में, तो उसके लिए वॉट हाउ डू वी यूज दिस, एक बार ध्यान देना प्लीज ऑल ऑफ यू, एक बार ध्यान दो प्लीज, क्या करना है इन सेल्स को आपको सिलेक्ट करना है जहां पे आपको आउटपुट चाहिए, पूरा सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार में जाएंगे, ठीक है यहाँ पे नहीं, फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टाइप किया डेटा आ रहे,
डेटा एरे इज बेसिकली जहां आपका डेटा है, विच इज दिस बर्थ रेट वाला सेल मत सिलेक्ट करना, यहां से लेके पूरा लास्ट तक आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, यहां से लेके पूरा लास्ट तक सिलेक्ट किया, फिर कॉमा बिन्स एरे, बिन्स एरे इज बेसिकली दिस, बिन्स एरे का मतलब है कि एक्स के, याद है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया होगा कभी स्कूल में, एक्स एफ, एक्स का वैल्यूज होते हैं, फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज होते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी टेबल है एक तरीके से ये, या आपका बिन्स एरे हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर नहीं प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, द मोमेंट यू डू दैट यू गेट ऑल द वैल्यूज, वी कैन ऑल्सो टेक अ काउंट ऑफ दिस, सम ऑफ दिस 195 आ रहे, देख लो यहाँ पे आपके 195 काउंट, देखो इधर काउंट दिख रहा है, इधर काउंट नीचे नीचे नीचे, ये मैंने कल बताया था ना क्विक सम टूल बार है, जहां ना जब आप नंबर सिलेक्ट करते हो, देखो तुम लोग अपने लैपटॉप में जब नंबर सिलेक्ट करोगे, यहाँ क्विक सम टूल बार में कुछ वैल्यूज आएंगे, यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस, राइट क्लिक करके यू कैन मॉडिफाई, अगर तुम्हें काउंट नहीं चाहिए, मिन चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, सम चाहिए, यू कैन मॉडिफाई दिस, ठीक है। तो एक बार फिर से क्या किया, ये पूरा सेल सिलेक्ट किया, यहाँ गए, फ्रीक्वेंसी लिखा, डेटा आ रहे, बिन्स आ रहे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आप लोग अभी अगर प्रैक्टिस करना है, मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताती हूँ कैसे कर सकते हैं, लेट्स मेक आर ओन डेटा सेट, ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो, मान लो वैल्यूज है, यूज अ फंक्शन रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन इज अ फंक्शन जहां पे आप रैंडमली नंबर्स निकाल सकते हो बिटवीन फ्यू नंबर्स, सो बिटवीन 0 and 100, रैंड बिटवीन 0, देख लो फिर मैं रिपीट नहीं करूंगी, रैंड बिटवीन 0, 100, ठीक है, ये मैंने लेट्स सपोज यहां तक आई ड्रैग्ड, ठीक है, रैंडमली कितना भी, अब ये ना चेंज होते रहता है, इसका प्रॉब्लम ये है, रैंड बिटवीन फंक्शन जो है कैसे चेंज होता है, फॉर्मूलाज में गए, ठीक है, एंड यहाँ पे ये कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया, बार बार देखो चेंज होगा, कैलकुलेट नाउ पे प्रेस करने से क्या होता है, एक्सेल में जितने फंक्शंस हैं वो बार बार कैलकुलेट करते हैं, और इनफैक्ट ये क्या होता है, जब एक्सेल में सपोज 9+8, मैंने जब मैं यहाँ 9+8 रन करूंगी ना, देखना आप क्या होगा, 9+8 तो रन हुआ, ये भी वैल्यूज चेंज हो गए, क्योंकि वेन एवर यू रन वन फंक्शन इन एक्सेल, ऑल द फंक्शंस आर रनिंग ऑटोमेटिकली, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी इंटर रिलेटेड, सो एवरीथिंग इज रनिंग, उसको स्टॉप करने के लिए कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके उसको आप मैनुअल कर सकते हो, प्लीज मत करना, नॉट नीडेड, दिस इज समथिंग दैट वी डू व्हेन वी वर्क विद अ वेरी ह्यूज डेटा सेट, क्योंकि बार बार जब कैलकुलेटर स्लो जाता है एक्सेल, तो हम मैनुअल कर देते हैं, आपके केस में प्लीज मत करना, ठीक है, ये हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगी इसको एब्सोल्यूट करने के लिए कि ये वैल्यूज भाई चेंज ना हो, कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट, कंट्रोल वन सेकेंड, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करने से ये खुल जाएगा पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल ऑल्ट वी, पहले ये लिख लो, चलो यहां तक कर लो, रैंड बिटवीन कर लो, वी जस्ट हैव 5 मिनट्स, क्विकली करना है, वी फॉर विक्ट्री, पहले कंट्रोल सी किया, फिर यहां कंट्रोल ऑल्ट वी किया, अब देखो वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज मतलब आपके वैल्यूज आपको पेस्ट करने हैं, फॉर्मूलाज, क्योंकि जब कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं ना तो फॉर्मूलाज भी पेस्ट हो जाते हैं, मुझे खाली वैल्यूज पेस्ट करने हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी, ओके किया, देखो सारे वैल्यूज पेस्ट हो गए, ये पहले वाला क्या करेंगे, हटा देंगे, पहले वाला हटा दिया, यहाँ आ गया वैल्यूज, ठीक है, यहाँ आ गया वैल्यूज, ठीक है, अब यहाँ जो वैल्यूज आ गया, अब हमें वही वो बिन्स आ रहे वाला चीज बनाना है, तो आपके बिन्स क्या है, 0, 10, 20, एक बार देख लो क्या होता है एक्सेल में, व्हेन यू आर राइटिंग 0, 10, 20, इसको तीनों को सिलेक्ट करेंगे, अब 30, 40, 50 ऐसे लिखना पड़ता, नहीं लिखना, तो तीनों को सिलेक्ट करो, तीनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करो, तो अपने आप वो 10, 10, 10 के इंक्रीमेंट में आ जाए, करूं,
ठीक है। पहले कंट्रोल सी से कॉपी करो, फिर यहां पे कंट्रोल ऑल्ट वी करो। पेस्ट स्पेशल, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट वी से आप डायरेक्टली वैल्यूज पेस्ट कर सकते हो, वो पेस्ट एज वैल्यूज हो जाते हैं। कंट्रोल ऑल्ट वी करने से वो विंडो आ रहा है जिसमें से आपको जो जो पेस्ट करने, अगर खाली वैल्यूज पेस्ट करने हैं, फॉर्मूलाज पेस्ट करने हैं, फॉर्मेटिंग पेस्ट करने हैं, वो आएगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट वी डायरेक्टली कर दोगे तो वैल्यूज अपने आप पेस्ट हो जाएंगे, फॉर्मूलाज नहीं होंगे। दैट्स ऑल्सो अनदर शॉर्टकट। वी वैल्यूज वाला सिलेक्ट करो और फिर ओके, और पहले वाला डिलीट कर दो। ठीक है, ये लिख लिया, बिन्स बना लिया। अब एक बार ध्यान देना कैसे करेंगे, फिर मैं रिपीट नहीं करूंगी। ये पूरा सिलेक्ट करना है, जहां पे आपको वैल्यूज चाहिए यहाँ जाना है, इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी टाइप करना है, डेटा अरे इज दिस, बिन्स अरे इज दिस, एंटर मत करना। क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड यू गेट द वैल्यूज। देखो 90 से 100 के बीच में 3 वैल्यूज है, 1, 2, 3। ठीक है, इफ यू टेक अ सम ऑफ दिस, देखो सम कितना आ रहा है, 14। यहाँ पे भी आपके 14 वैल्यूज है। गॉट इट, फ्रीक्वेंसी फंक्शन देख लो, क्योंकि इट्स अ मैट्रिक्स फंक्शन, यू नीड वैल्यूज इन ऑल द सेल्स, सो इट्स नॉट अ सिंपल फंक्शन लाइक वी डू इन वन वन सेल, सारे सेल्स में साथ में। तो इसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तुम सुना नहीं था, मैं रिपीट नहीं करूंगी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर है। किसका किसका आ गया? आ गया, ठीक है। चैट बॉक्स में लिख दो जिसका जिसका आ गया। मैम एक्सेल में भी कोई सेट डॉट सी